वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर पान मसाला, द टेस्ट ऑफ विक्ट्री। मैं हूं शकील सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज। सच के साथ लगातार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नवनियुक्त एसएसपी कलानिधि नैथानी व गोमती नगर थाना एसएचओ देवी प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में पिछले कुछ समय से चेन स्नेचिंग व पर्स स्नेचिंग की घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए पुलिस को मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर दो शातिर चैन स्नेचों को दर दबोचा। इनके पास से एक दर्जन सोने की चैन, एक अदद देसी पिस्तौल, 2600 रुपये नकद बरामद हुए हैं। बताया जाता है कि ये दोनों शातिर चैन स्नेचरों में शुमार किए जाते हैं। उनमें से मोहम्मद इस्माइल जनपद राजधानी लखनऊ के तेज तर्रार एसएसपी कलानिधि नैथानी के आदेश पर आज गोमती नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस को सोने की चेन, लूट किए हुए मोबाइल फोन, लूटी हुई नकदी व घटना में प्रयुक्त होने वाले पिस्तौल और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। उक्त मामले में का खुलासा करते हुए आज एसएसपी लखनऊ कलानिधि नैथानी ने कमांड हाउस पर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आज गोमती नगर पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को थाना क्षेत्र के अयप्पा मंदिर के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के कब्जे से पुलिस को लूटी हुई एक दर्जन पीली धातु की चेन, लूट के दो मोबाइल फोन, लूटे हुए 3620 रुपए नकद, अवैध असलाहा, कारतूस व घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। गोमती नगर पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान मोहम्मद इस्माइल उर्फ आमिर निवासी दरगाह शरीफ थाना दरगाह जनपद बहराइच व सत्यम वर्मा निवासी नीरा शिशु मंदिर थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच के रूप में हुई। पुलिस गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के खिलाफ थाने में मामला पंजीकृत करते हुए उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुट गई है तथा पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अभी इनके और कितने साथी हैं जो राजधानी लखनऊ के अलावा आसपास के जनपदों में इस तरह की लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एडीआई न्यूज लखनऊ। देखिए, हम लोग की एक लगातार मुहिम चल रही है जो पूर्व के अपराधी हैं उनका सत्यापन करना। इसी बीच हम लोगों ने जो है देखा कि चेन स्नैचिंग की घटनाएं यहाँ सिटी में जो होती है उस पर पुलिस का पूरा बंदोबस्त लगा करके रोज शाम चेकिंग करके घटनाओं को कम किया गया। इसी के साथ ही जो पुराने अपराधी चेन स्नैचिंग पुलिस ने उनका सत्यापन किया। इसी क्रम में हमको जब सूचना मिली तो ये मोहम्मद इब्राहिम और सत्यम, इन दो चेन स्नैचर्स को हमने अरेस्ट किया है। इनके पास से स्नैचिंग की गई 12 चेनें हम लोगों ने बरामद की हैं। इसके अलावा दो मोबाइल भी बरामद हैं, नाजायज अस्त्र इनसे बरामद हुआ है तथा मोटरसाइकिल जिससे घूम घूम कर ये लोग चेन स्नैचिंग या पर्स स्नैचिंग किया करते थे, ये भी इनसे वो मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद हुई है। इसमें आपराधिक इतिहास पूर्व से भी रहा है, आपराधिक इतिहास निकालने पर ही हम लोग की सूचना की। आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा कि पूर्व से अपराधी रहे हैं जो अपराधी बाधकन रूप से रहते हैं उनको इस तरह की पकड़ करके गिरफ्तारियाँ हुई और ये सुनिश्चित करेंगे कि इसके आगे गैंग अधिनियम की भी कार्रवाई की जाए। लखनऊ में ये घूम फिर के करते रहते हैं, ये रहने वाले इनका दूसरा बहराइच है, लेकिन हाल पता यही पर ही है क्योंकि इनका ऐसा नहीं है कि एक ही जनपद तक और भी क्राइम स्ट्रीम की काफ़ी है, लगभग एक दर्जन मुकदमा इसके ऊपर है। सर, ये लूट करते थे, लूट करने के बाद कहाँ सामान भेजते थे? गोमती नगर में ये चैन लूटते थे, उसके बाद कहाँ बेचते थे उसका? उनका सुराग सर कुछ कुछ पता चला कहाँ बेचते थे? ये बेचते थे,